चूटी हमेशा कोशिश करता है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, गिरता है, फिर एक न एक दिन वो चढ़ जाता है, समझे? आप बोले थे नहीं, मोदी जी बोले थे कि 400 से पार, मगर अब मतदाता जनता बोल रहा है कि आप चारों कोने से हो जाएंगे बेकार। आप ये समझ लीजिए, विशेष राज का दर्जा नीतीश जी बोले थे जी, मगर ना नीतीश जी का पास दरवाजा है ना कमारी है, उनको तो बदलने का बीमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह, मैं पाटलिपुत्रा लोकसभा में मौजूद हूं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से राजद को लगातार ये कहा जाता था कि राजद लाठी की पार्टी है, राजद लठमारों की पार्टी है, लेकिन राजद ने अब अपने आप को नए तरीके से स्थापित करने की पूरी योजना कर ली है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पर LED लगाकर लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और हरे झंडे के साथ लगातार इसमें फुटेज दिखाया जा रहा है LED लगाकर। और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गौशाला है, यहीं से मीसा भारती ने इसी को अपना कार्यालय बनाया हुआ है और यहीं से मीसा भारती अपने सुबह का जो कारवा होता है, जो सुबह की रैली करनी होती है, जो सुबह के जनसंपर्क करने होते हैं, हम देख सकते हैं तमाम गाड़ियां जो है वो तेजस्वी यादव का प्रचार लगा हुआ है इन गाड़ियों पर। एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, लालटेन है और इस काफिले के साथ रोज यहां से मीसा भारती निकलती हैं और अभी आपको हम वो भी दिखाएंगे, मीसा भारती अभी निकलेंगी यहां से और जनसंपर्क के लिए जाएंगी। मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर मीसा भारती की तस्वीर लगी हुई है, एक तरफ तेजस्वी है, एक तरफ तेज प्रताप है, आगे लालटेन लगी हुई है और पूरे गाड़ी को हरे रंग से पाट दिया गया है। इस पर कोई समर्थक होंगे जो बैठ कर घूमते होंगे और मीसा भारती के लिए प्रचार करते होंगे, मीसा भारती के लिए वोट मांगते होंगे। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से अभी कुछ देर में मीसा भारती का काफिला निकलेगा, मीसा भारती तैयार है जनसंपर्क के लिए। आप इसी गाड़ी में देख सकते हैं कि मीसा भारती जाती हैं और जनसंपर्क करती हैं, काफिला तैयार है, लोग तैयार हैं, कुछ ही देर में मीसा भारती यहाँ से निकलेंगी और जनसंपर्क के लिए जाएंगी। आपको मैं दिखाता हूँ, आइए, एक व्यक्ति हैं जो लालटेन अपने सर पर रख के घूम रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। हम मीसा भारती के पाटलिपुत्रा, अब लगता है मीसा जी निकल गई हैं तो मुश्किल होगा बातचीत करना। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान। चट्टान जी, क्या इस बार लगता है कि क्या होगा मतदान में? मतदान में इस बार आदमी दिल में अपना मंथन कर लिया है कि RJD जो है इसी को वोट देना है, सपोर्ट करना है, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है और जनता मन बना लिया है। आप मीडिया वाले, आप सबको जान रहे हैं, लेकिन लगातार दो बार से यहाँ से आप जान रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, ऐसे में कितना मुश्किल होगा इस बार पाटलिपुत्र जीतना? आप पहले बताइए, चूटी हमेशा कोशिश करता है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, गिरता है, फिर एक न एक दिन वो चढ़ जाता है, समझे? आप बोले थे नहीं, मोदी जी बोले थे कि 400 से पार, मगर अब मतदाता जनता बोल रहा है कि आप चारों कोने से हो जाएंगे बेकार, चारों कोने से। हाँ, आप ये समझ लीजिए जी, विशेष राज का दर्जा नीतीश जी बोले थे जी, मगर ना नीतीश जी का पास दरवाजा है ना कमारी है, उनको तो बदलने का बीमारी है। ये लालटेन लगाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, लालटेन तो हमारे समझ लीजिए कि दिल में है, चूंकि लालू यादव ने 80 घर इंदिरा आवास दिया था मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, तो 80 घर इंदिरा आवास देने वाला वो गरीब का नेता है, मजदूर का नेता है, दलित का नेता है, सबका भाई है और सब उनका विचार जो है वो सब गरीब मजदूरों के साथ है, तमाम जाति के साथ है, प्रेम बर्ताव उनका अच्छा है। और लालू यादव जानबे करते हैं कि दिल के साफ आदमी है, वो देखिए MLC बना दिए इनुस लोहिया साहब को, कितने सारे चीजें की रोड से उठा कर को उन्होंने बनाने का काम किया है जी, और भी लोग को बना रहे हैं जी। आप मुझे बताएं कि लगातार ये भाजपा कह रही है कि ये पूरी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोग जेल जाएंगे, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और देश को लूटा अमित शाह नरेंद्र मोदी जी। तो भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पैसा यानी 1000 करोड़ किसने लूटा,
SBI बैंक में किसका है? मोदी जी अमित शाह का। बताइए, देश में बेरोजगार पढ़ लिख के घूम रहा है। कहावत है कि बूढ़ा हो गए, कहते हैं मोदी जी की हम भी ब्याह करेंगे, कब्र में पैर लटकाए में है। रेस में लंगड़ा घोड़ा दौड़ नहीं सकता है, एक बार हमको चांस दीजिए। अब चांस नहीं दोबारा मिलने वाला है मोदी जी। अब जाइए मंदिर में घंटा बजाइए, बड़का मंदिर बनाया है, वही जय श्री राम कहिए। बेरोजगारी को मिटाना है, आंख से आंख मिलाना है और लंटेन पर बटन दबाना है। जरूर। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिया कुमार। प्रिय कुमार प्रिय जी, इस बार क्या लगता है माहौल? बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, उसके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है कि जो वो जनता को ठगने का काम करेंगे जी। अब वो विरोध ही करेंगे और जो है हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा। आप किसको पसंद करते हैं? हम लालटेन को पसंद करते हैं, लालू यादव को पसंद करते हैं। लालू यादव या तेजस्वी यादव? लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को पसंद करते हैं। दोनों को पसंद करते हैं। तेजस्वी को पसंद करने का कोई एक कारण बताइए, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो रोजगार दिया है 17 महीनों में, वो बहुत ही अच्छा काम किया। रोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है और भ्रष्टाचारी जिसके कारण कम हो रही है जी। ठीक है, आप देख रहे थे, ये साफ लोग कह रहे थे कि युवाओं के रोजगार के लिए ये तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं ताकि युवाओं का सुरक्षित रहे भविष्य। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।